नमस्कार दोस्तों, जय फ्यूचर मेकर। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे फ्यूचर मेकर के बारे में। जो भी न्यूज आई है, जो भी न्यूज़पेपर में है या किसी चैनल पे आई है, उस बारे में बात करेंगे। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले और कमेंट में जय फ्यूचर जरूर लिखें। दोस्तों, न्यूज़ की बात करें तो हर रोज़ आ रही है, कभी कुछ आ रही कभी कुछ आ रही है, लेकिन जो खुशी की न्यूज़ है उसका इंतज़ार अभी और भी करना पड़ेगा कि जो क्लीन चिट है कोर्ट के थ्रू मिलनी है और जो जाँच है वो पूरी होनी, वो अभी तक फाइनल नहीं हुई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूज़पेपर की, जिस न्यूज़पेपर में फ्यूचर मेकर की न्यूज आई है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये आज की न्यूज है, फ्यूचर मेकर ने नोटबंदी में उठाया था खूब फ़ायदा। ये फतेहाबाद जागरण की न्यूज है, आप पढ़ते हैं इसमें क्या है विस्तार से। फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नोटबंदी के दौरान मालामाल हुई। कंपनी ने उस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पैसे निवेश किए। कंपनी के मोटिवेटर ने रातों रात झोंपड़ियों से महलों तक सफ़र तय किया। नोटबंदी के बाद तो उनकी कंपनी का प्लान ही बदल गए। जो पहले निवेशकों को बहुत कम मुनाफा देते थे, बाद में एक से डेढ़ साल में चार गुना जो पैसे देने का वादा करने लगे। कंपनी से जुड़े कर्मचारी ने बताया कि नोटबंदी में काले धन को सफ़ेद करने के फार्मूले के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने पैसा निवेश किया। इससे कंपनी चल पड़ी और इसके बाद अधिक मुनाफा के प्लान बनाकर 2 साल तक लोगों को चूना लगाया। बता दें कि गांव टिब्बी निवासी बंसीलाल सियाग और हिसार के सीसवाल निवासी राधेश्याम ने 26 फरवरी 2015 को फ्यूचर मेकर कंपनी बनाई। ये दोनों पहले आरसीएम नामक कंपनी में थे, काम कर चुके हैं। उन्होंने नोटबंदी से पहले करीब 1.5 साल तक पूरी कोशिश की, लेकिन कंपनी सही से नहीं चल पाई। कंपनी में आरसीएम पर्ल व सहारा में काम कर चुके मोटिवेटर्स कार्यकर्ता होने के बाद भी अधिक मुनाफा नहीं आ रहा था, निवेशक नहीं जुड़ रहे थे। इसी बीच नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई, जिसमें मोटिवेटर ज़्यादा सख्ती के साथ सक्रिय हो गए। दोस्तों, उधर एक खबर और भी आ रही है, फ्यूचर मेकर के नाम से 5 कंपनियाँ। अब हमने तो एक ही कंपनी का नाम सुना था, लेकिन अब इसमें बताया जा रहा है कि 5 कंपनियां हैं, 4 की वेबसाइट नहीं खुलती। दोस्तों, 5 कंपनियां हैं और इसमें 4 की वेबसाइट नहीं खुलती, लेकिन फ्यूचर मेकर है वो एक ही कंपनी है और इसको पता नहीं किस हिसाब से प्रदर्शित किया जा रहा है कि 5 कंपनियां हैं और 4 की वेबसाइट नहीं खुलती, एक खुलती है वही फ्यूचर मेकर कंपनी है। इसके बाद आता है जागरण संवाददाता फतेहाबाद, फ्यूचर मेकर कंपनी के बारे में नई खुलासे हो रही है। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कंपनी ने हर स्तर पर चालाकी करने की कोशिश की। यह चालाकियां धरातल से लेकर वेबसाइट पर तक पर देखी जा सकती है। कंपनी को पता था कि उनका कारोबार अवैध है और इस धंधे को सिस्टम की नज़र से दूर रखना जरूरी है। इसके लिए कंपनी संचालकों ने एक चाल रखी। कंपनी के जिला स्तरीय मुख्यालय कार्यालय धांगड़ में खोला गया। धांगड़ गांव फतेहाबाद से महज 8 किलोमीटर दूर है। क्योंकि शहर के हिसार रोड की तरफ फैल रहा है और इसलिए धांगड़ फतेहाबाद को भी फतेहाबाद का हिस्सा माना जा रहा है। फ्यूचर मेकर कंपनी ने गांव धांगड़ में कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया, ताकि फतेहाबाद के अधिकारियों की कार्यालय पर नज़र न पड़े। फतेहाबाद मुख्यालय में इस गाँव की दूरी इतनी दूरी नहीं है कि किसी को आने जाने में दिक्कत हो। हालांकि फ्यूचर मेकर कंपनी वर्ष 2015 में अस्तित्व में थी, लेकिन वर्ष 2018 में कंपनी ने अपना कारोबार इतना फैला लिया कि इस धंधे से जुड़े लोग कंपनी के सीएमडी राधेश्याम को आदर्श मानने लगे। क्योंकि धांगड़ व बड़ोपल एरिया में काफ़ी युवा कंपनी के कारोबार से जुड़े हुए थे, कईयों ने कंपनी में मोटी कमाई से महंगी गाड़ियाँ खरीद ली। और तो दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि जो फतेहाबाद में जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो गांव धांगड़ में है और जो धांगड़ है वो फतेहाबाद से लगभग नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इससे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर फतेहाबाद में जगह ना मिली हो और कॉस्टली हो तो वहाँ खोल लिया गया।
और खरीद ले इस इन्हीं एजेंटों ने इसी साल करीब 1 महीने पहले फतेहाबाद में एक होटल में एक शाही कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कंपनी के एजेंटों व निवेशकों को आमंत्रित किया गया। उनके सामने कंपनी की गतिविधियों का गुणगान किया गया। इसके बाद खाना परोसा गया और उसी दिन शाम को धांगड़ में कंपनी के कार्यालय में शुभारंभ के लिए CMD राधेश्याम को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। फूल मालाओं के साथ किसी नेता की तरह स्वागत किया गया। तो दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि दोस्त जो CMD है उनका स्वागत करना, कंपनी के जो भी है कर्मचारी है या फिर मोटिवेटर है उनके अधिकार है, वो कर सकते हैं। इसके बाद है फ्यूचर मेकर कंपनी की शिकायत जन परिषद समिति पहुंची तो हुआ ऐसा। तो दोस्तों जन परिषद समिति है वो हिसार में बनती है और वो लगभग हर महीने शिकायत सुनती है। उसके बारे में ये बोल रहे हैं, सुनने में ये आया कि जन परिषद समिति के पास शिकायत गई थी और उसके बाद जन परिषद समिति की जो बैठक थी वो रद्द कर दी गई। तो अब विस्तार से देखते हैं। चिटफंड कंपनी फ्यूचर मेकर के MD की पहुंच का कमाल कहें या सहयोग, हिसार में जिला परिषद परिवाद कमेटी की बैठक के लिए कंपनी से जुड़ी शिकायत रखने पर बैठक ही रद्द हो गई। तो दोस्तों जो बैठक होती थी वो रद्द हो गई, इस तरह की बात बोली जा रही है। अब है इस चिट फंड कंपनी फ्यूचर मेकर ने कुछ युवाओं का भविष्य बनाया तो वहीं हजारों लाखों का बिगाड़ भी दिया। मगर इस दौड़ में केवल बेरोजगार ही बर्बाद नहीं हुए बल्कि ऊंची पहुंच वाले लोग भी इस कंपनी के जाल में फंसे हुए हैं। इसे कंपनी के MD राधेश्याम सुतार की पहुंच का कमाल कहें या महज सहयोग, फ्यूचर मेकर कंपनी से संबंधित शिकायत जन परिषद समिति तक पहुंची तो बैठक ही रद्द हो गई। भाजपा के शासन में यह पहला अवसर है जब इस समिति की बैठक रद्द हुई है। तो दोस्तों इससे पहले हिसार की परिवारवाद समिति की बैठक होती थी वो कभी रद्द नहीं हुई और इसे संयोग बताया जा रहा है कि रद्द हो गई थी। तो दोस्तों अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बताया जाता है कि राधेश्याम सुतार की राजनीतिक में भी मजबूत पकड़ थी। पीड़ितों का आरोप है कि इसी कारण जन परिवारवाद समिति की बैठक में उनकी कंपनी की शिकायत आने पर भी बैठक रद्द हो गई। वह बैठक 27 अगस्त को होनी थी मगर ऐन वक्त पर मीटिंग की रद्द की गई। दरअसल फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के MD राधेश्याम सुतार ने जितना पैसा लोगों से कमाया उतना ही पैसा लोगों के पहुंच से भी कमाया। विभिन्न पार्टियों के कई नेताओं को राधेश्याम ने अपनी कंपनी में प्रमोटर बनाया हुआ था। ये प्रमोटर अपने कार्यकर्ताओं का पैसा कंपनी में लगवा कर पैसे कमाते थे। राज्य मंत्री बनवारी लाल इन्हीं कारणों से बैठक में नहीं आ सके थे। दोस्तों जो बनवारी लाल है वो हरियाणा में राज्य मंत्री है और वो किसी कारण से मीटिंग में नहीं आए, लेकिन उस मीटिंग को रद्द कर दिया गया। इसके बाद मंत्री के नए आने के बाद इस बैठक को रद्द कर दिया गया था, जबकि नियमानुसार उपायुक्त अपने स्तर पर इस बैठक का संचालन कर सकते हैं, लेकिन बैठक नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ऐसा क्या दबाव था कि मंत्री के नहीं आने पर बैठक का संचालन नहीं हुआ। जन परिवाद समिति की बैठक में अगर प्रशासन समय रहते इस मामले में कार्रवाई कर देता तो कई लोगों के घर उजड़ने से बच जाते। प्रभावित लोगों के आरोप प्रशासन पर है। इस मामले में शिकायतकर्ता और कोई नहीं बल्कि फतेहाबाद भाजपा के जिला अध्यक्ष सचिव अनिल सिहाग ने ये शिकायत दी थी। उन्होंने डाक के माध्यम से DC हिसार को शिकायत दी थी, जिसके बाद DC ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इस एजेंडे को जन परिवाद समिति की बैठक में रखवा दिया, लेकिन ऐन वक्त पर बैठक कैंसिल हो गई। खास बात तो यह है कि फतेहाबाद से भाजपा नेता अनिल सिहाग ने अगस्त में इस कंपनी के खिलाफ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री, फतेहाबाद और हिसार के DC और SP को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की। हिसार DC ने मामला संज्ञान में लिया। फतेहाबाद जिले के भाजपा सचिव अनिल सियाग ने बताया कि फ्यूचर मेकर कंपनी ने फतेहाबाद से काफ़ी लोगों के पैसे लगाया हुआ है। वह जिले के CM विंडो की शिकायतें देखते हैं। आए दिन उनके पास कंपनी से जुड़े लोगों की शिकायतें
आती थी। इन शिकायतों को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री तक को इस कंपनी की शिकायत की थी। उनकी ओर से शिकायत करने करते ही फतेहाबाद की आर्थिक अपराध शाखा ने मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर फतेहाबाद में पुलिस के कुछ दिन पहले ही केस दर्ज भी किया है। भाजपा सरकार के आने के बाद जिले के अलावा एक भी इसके अलावा कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी कैंसिल। तो दोस्तों बता दें, भाजपा सरकार के आने के बाद का हिसार में अब तक एक भी जन परिवारवाद समिति की बैठक कैंसिल नहीं हुई थी। मंत्री के आने पर उपायुक्त शिकायत सुनते थे, मगर यहाँ ऐसा पहली बार हुआ जब मंत्री के न आने से ये बैठक का संचालन नहीं हुआ। उधर तेलंगाना में है प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी। उधर हिसार पुलिस ने बताया है कि CMD राधेश्याम सुतार को तेलंगाना से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी। इसके लिए जल्द ही पुलिस कोर्ट की अनुमति लेगी। बता दें कि हिसार SP शिवचरण की तरफ से इस मामले की जांच की 2 SIT बिठाई गई। उधर राधेश्याम सुतार के राइट हैंड वह फ्यूचर मेकर कंपनी के MD सुंदर सैनी ने वर्ष 2013 में नेटवर्क कंपनी RCM के बंद होने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मानवाधिकार संस्था का संस्था इसमें वो प्रदेशाध्यक्ष थे और 500 से 5000 रुपये तक का चंदा लेते थे। उधर फ्यूचर मेकर कंपनी के एजेंटों की तरफ से सोशल मीडिया पर दर्जनों वीडियो अपलोड किए गए। इन वीडियो में तस्वीर किसी की दिखाई नहीं देती, सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। इस वीडियो में कहीं कहा जा रहा है कंपनी के CMD को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है।